गिरी है कि बैठी है यार आराम से? ये अरे बैठी है कि गिरी गिरी है, कुछ लगे समझ नहीं आ रहा है। उठाओ, अगर बैठी हो तो उठ ही जाए अपनी। फंस गई है भाई ये गिर के ना, गिर के फंसी हुई है। वही बता दिया ना पहले से। आ उठाओ जी, पकड़ी मऊ। देखो देखो फंसी है, फंसी बता दिया ना पहले देख के। कहे कि ऐसा यार हम ये कहो तो ये कहो कि देख लिए। अबे हम एक बैठो ही तरीका हम पकड़ लिया कि फंसी भाई। तो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पे रैल घाट में और ऐसे ही बस घूमने आए थे और यहाँ पे कि हम लोग जा ही रहे थे। यहाँ पे देखिए गाय है, गाय का बच्चा है भैंस का, और कितनी ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। इधर देख सकते हैं उधर बहुत दूर दूर लोग हैं और इधर ये हमारे जो है बुरक लड़के हैं। और हम दोनों भाई बस ऐसे आए थे घूमने के लिए। और देखिए जब हम लोग की नज़र पड़ी कि ये बताओ गाय का बछड़ा जो है, बछड़ी है जो भी हो, देखिए कितनी जो है परेशान में है। और हम लोग इसको जा रहे हैं निकालने। चलो भाई इसको निकालो यार, आओ निकालते हैं इसको। काफ़ी देर से देखो, पता नहीं कई दिन से ये पड़ी होगी इसमें। हाँ निकालो निकालो निकालो। अरे यार बहुत तगड़े से फंसी है भाई, कई दिन से बताओ ये कई दिन से यार इसमें। देखो ताकत वकत नहीं है भाई, अब इतना सपोर्ट क्यों नहीं दे पावत रहा है? बताओ इतना गड्ढे में भाई, इतने छोटे से गड्ढे में ये घुसी है। एक सिर भर दिखत रहा, हम समझ गए कि फंस गए। उठाओ देखिए उठाओ, इसमें लगभग मेरे ख्याल से कई दिन से फंसी है, ताकत तो नहीं है भाई, कई दिन से फंस के बताओ। कोई अगर अगर कोई इसको अगर ढूंढे रहा भी होगा ना तो इसको ये पाएगा ही नहीं भाई, इतना देखो गड्ढे में वहाँ पे। बताओ इसमें फंसी है कई दिन से, और ताकत बिल्कुल भी नहीं इसके शरीर में, कमजोर हो गई। कई दिन से फंसी है, कई दिन से धूप में फंसी रही, कोई दिख भी नहीं रहा यार। जो भैंस वाला हो, जिसका भैंस वैंस हो, मतलब कोई भी दिख उग जाए उसको आवाज दिया हुआ जाए, कोई है क्या? बात है कोई दिख रहा है क्या? कोई नहीं है। उठो चल चल उठ, एकदम पूरा कमजोर हो गई है। देखो देखो देखो, देखो उठ ही नहीं पा रही भाई, इतनी कमजोर हो गई है फंस फंस के ये गड्ढे में कि एकदम कमजोर हो गई है। सबसे पहले यार इसको पहले पानी पिलाना पड़ेगा यार। चलो आज जुगाड़ देखते हैं, ये बोतल है, ये बोतल है, पानी भर के इसको पिलाते हैं, देखें अगर काम बन जाता है तो। सामने पानी है और यहाँ से हम पानी भर लेते हैं, उसके बाद उसको पिलाते हैं। पहले सोचे कि ये बैठी होगी, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा गड्ढा है, कितना बड़ा गड्ढा है, और छोटा सा ये बच्चा ही है। लो भाई ऐसा करिए, ठीक है, इसका गर्दना उठाइए और इसके मुंह में ढक्कन डालिए। बस बस बस, खड़ा कराओ तो शायद खड़ी कराओ, पिला देंगे ना, ताकत आ जाए। हाँ बात ये हमें लग रहा है कई दिन से फंसी है यहाँ पास, जिसका है उसको ध्यान देना चाहिए। इसका तो लगता है गया। हाँ कुछ तो गया, पता नहीं किसका, इसका सर भी थोड़ा सा दिख रहा था, एकदम सर फर दिख रहा था। चल आ आ, थोड़ा ठोंकिए इसको, डर पाएगा तो थोड़ा इसको राहत मिलेगा। चल उठ 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 उठ, चल चल चल। बात है ना ऊर्जाहीन हो चुकी इसमें।
भूखी भी है, देखो घास खा रही है भाई, भूखी है यार ये, इसको कुछ खिलाने के लिए क्या करें यार। अब यहाँ पे कितना घास खाएगी यार ये, हयो तो नहीं है। चले फिर भाई क्या करें, अब तो छोड़ दें, चले चलो हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वहाँ पे एक भैंस चराने वाला है उसको बता देंगे, तो जिसका भी ये जो है गाय का बच्चा होगा ना तो वो उसको बता देगा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा बताओ शैलेश भाई, हम लोग वहाँ रुकने वाले थे, असल में हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम किस लिए आए थे। एक्चुअली हम आए थे वहाँ पे घूमने के लिए, अरैल घाट है, तो वहीं से हम लोग का प्लान था, हम लोगों को फ्रेश आई थी तो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आए थे, और अचानक से जो है हम लोग जब जाने लगे फ्रेश होने के बाद, पहले तो ये सोचे चलो ये बैठी होगी, लेकिन जब मतलब हिल डुल नहीं रही है, ये ध्यान हुआ कि गड्ढा में तो नहीं फंसी है, तो जब देखे तो गड्ढे में फंसी थी, फिर हम लोगों ने उसको निकाला है और उसके बाद उसको जो है बदल कर दिया है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो वो अच्छा आराम से जो है ठीक हो जाएगी, अगर ना निकालते तो ऐसी वो पड़ी रहती, कोई उसको देख भी ना पाता, और वैसे भी भाई उसकी जान भी जा सकती थी, क्यों बिल्कुल जा सकती थी ना। चलो अब दादा यहीं रहते हैं। अरे गाय का बच्चा एक वहाँ पे फंसा हुआ था गड्ढे में, तो हम लोगों ने वहाँ निकाल के उसको कर दिया, किसी का भी होगा ढूंढेगा बता दीजिएगा। हाँ वो वहाँ पे, वो पानी के पहले, अरे गड्ढे में पूरा फंसी हुई थी कई दिन से, लगता है वो थी, अब ये हुआ कि चलिए। हाँ बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा है बच्चा, थोड़ा सा बड़ा है, बछिया भैंस का है, भैंस का है, गाय का नहीं है, भैंस का है, अब किसी का होगा ना, किसी का है, अब कोई ढूंढेगा बता दीजिए, एकदम पूरा ताकत वकत नहीं है उसको, उठ उठ नहीं पा रही है, कोशिश किए थोड़ा पानी उन्हें पिलाने का, पानी जिंदी है, हाँ जिंदी है, ये है कि एकदम ताकत पूरी खत्म हो गई है ना मुन्ना भाई, क्या है। अभी हमारा काम जो भी था, हम लोग का जो फर्ज था हम लोगों ने वो कर दिया, अभी वहाँ पे जो पास में रहते हैं दादाजी मिल गए थे, तो उन्होंने जो आसपास का जो भैंस चराते तो उनको बुलाए, तो वो उसको भेज दिए। अब ये हुआ कि उस जो है भैंस का जो बच्चा है अब उसकी जान बच जाएगी, ये काम बहुत ही अच्छा हो गया आज, तो चलो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ऐसे ही जो है हेल्प कर देना चाहिए कोई भी हो बेजुबान जानवर की, और ये आज जो है काम हमें जो है सौभाग्य मिल गया ये करने का, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्यों भाई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए बस इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बस इस वीडियो